ऐसे टायर का मजा आज तक हमने नहीं लिया था। देख लो कैसा है ये। क्या बात है स्टार्ट हो गई गाइस, रिमोट से स्टार्ट होती है, चाबी भी है इसके अंदर। गाइस अभी हम ना यहाँ पे हमारा जो खिलौना है हमारे कार में पीछे रखा हुआ, इसको असेंबल करने के लिए जा रहे हैं। मैं भी कर सकता था इसको, लेकिन प्रोफेशनल बंदों के हाथों करेंगे तो सही रहेगा। एंड यहाँ पे हमारे फेवरेट पर्सन सीनियर राइडर आसिफ भाई हमारे लिए हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। भाई ये पहले उतार देंगे, उसके बाद खोलेंगे इसको, ठीक है? थोड़ा हेवी है आसिफ भाई, मतलब मजा आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लो इसके टायर गाइस, यहाँ पे देख लो, ऐसे टायर का मजा आज तक हमने नहीं लिया था। देख लो कैसे बड़े बड़े टायर है, और बटन्स देखो, खोद के जमीन खोदने के काम आते हैं ये। मतलब देख लो यहाँ पे जैसे बड़े बड़े जेसीबी वगैरह में रहते हैं ना टायर, वैसे ही हैं, लेकिन थोड़े से छोटे साइज वाले हैं। देख लो गाइस, ये एकदम अलग चीज है। टंटन, क्या बात है गाइस, देख लो कैसा है ये। खतरनाक एक मशीन है गाइस, सीरियसली बहुत मजा देने वाली मशीन है। सामने इसके लाइट देख लो यहाँ पे, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ATV है गाइस। ATV जिनको नहीं पता है, ये ऑल ट्रेन व्हीकल है, बहुत पॉपुलर है, मतलब डेजर्ट में चलाने के लिए, स्नो में चलाने के लिए। ये जो है ना, हमने एज ऑटो से मंगवाई है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं ये खुली पड़ी है, तो आसिफ भाई हम लोग इसको असेंबल करते हैं और लास्ट में दिखाते हैं इसका खतरनाक लुक। वाओ आमिर, मीटर दिखाओ, मीटर ये देखो, मीटर है गाइस, ये देख लो। हाय 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 हाय, ये मतलब एवेंजर का मीटर है क्या? ओल्ड एवेंजर में आता था देखो। हाँ ठीक है, इधर मैं पीडी हॉट पिस्टन डाल दूंगा। ये देखो गाइस यहाँ पे अब हमने जैक लगा लिया इसको। भाई गिर जाएगा क्या? नहीं गिरेगा। हाँ देखो, ये देखो दिमाग देखो भाई, भाई सही फिट करना आसिफ भाई। हाँ फिर ऐसा नहीं गाड़ी लेके नहीं, गया नहीं, फिर नीली बाहर आएगा। इसमें कुछ वॉशर नहीं डालने का? नहीं। तो भाई साइज आगे पीछे हो गया। एग्जैक्ट है, ये वाला व्हील भी लग गया इधर। एग्जॉस्ट देखो गाइस, ओहो एकदम रॉ एग्जॉस्ट, चीखें फाड़ने वाला। ओए ओए मस्त है भाई। हाँ चीज़ मस्त लग रही है मेरे को पहले फर्स्ट इम्प्रेशन में, बाकी चालू करने का इंतज़ार है इसको। ये देख लो इसका रियर ब्रेक सेटअप डिस्क वाला है, एंड चेंज पॉकेट भी देख लो, और ये भी काफ़ी मजबूत है गाइस, मतलब उठाने के लिए दो तीन बंदे तो चाहिए ही। गाइस ये देख लो, ये फ्रंट बम्पर गार्ड यहाँ पे आएगा गाइस, मतलब ये आने के बाद में और भी ये खतरनाक हो जा रही है, मतलब लुक वाइज में। यस गाइस यहाँ पे फ्यूल जाएगा। आसिफ भाई ढक्कन हटाओ। यस ये बाहर गिरेगा क्या? ये देखो सबसे पहला फ्यूल जा रहा है इस व्हीकल के अंदर, एंड यहाँ पे अभी के लिए फ़िलहाल 1 लीटर डाल रहे हैं, बाद में चेक करेंगे इसकी टंकी में कितना जाएगा फ्यूल, वो सारी बातें। नहीं नहीं, हाँ वहाँ पे है। अच्छा ठीक है, हल्लो हल्लो आराम से आराम से। हाँ ऑन हो गया। क्या बात है स्टार्ट हो गई गाइस, रिमोट से स्टार्ट होती है, चाबी भी है इसके अंदर, ठीक है? तो रिमोट को जेब में रखते हैं हम। गाइस यहाँ पे देख लो, ये इसका सेल्फ है और ये इसका थ्रॉटल है गाइस, मतलब ऐसा मुट्ठी घुमाने वाला थ्रॉटल नहीं है, बस थंब से कंट्रोल करना होता है। और यहाँ पे देख लो इसके अंदर क्या है ना,
फ्रंट और रियर आपको गियर्स मिलते हैं गाइस, समझ गए। एक बार इसको फ्रंट में डाल दिया तो ये निकल रही है, देख लो। ओहो, सही है, देख सकते हैं आप, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। ओहो, मज़ा आ रहा है गाइस जिसको चलाने में। अभी थ्रॉटल फुल देता हूँ और पावर चेक करते हैं इसका। ओ क्या बात है, पावर खतरनाक है, पावर खतरनाक है। अभी हम इसको मोड़ रहे हैं, यहाँ पे देख लो कैसे मोड़ रही है, मतलब पैर से बैलेंस करना यहाँ पे नहीं है गाइज। ये एटीवी है, समझ गए। ये गल्फ कंट्रीज़ में बहुत पॉपुलर है लेकिन अभी इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है। एज ऑटो इसकी शुरुआत कर चुके हैं, आप जैसे सारे जो एटीवीज़ को पसंद करते हैं उनके लिए ये जो एटीवीज़ हैं ये अभी के लिए फ़िलहाल ये इम्पोर्ट करके मंगा रहे हैं। इन फ्यूचर ये इंडिया में भी बनाएंगे, इनका बहुत बड़ा प्लान है। सो गाइज यहाँ पे ना बहुत वेट रख सकते हैं गाइज, और पीछे भी रख सकते हैं, दो बंदे भी बैठ सकते हैं, समझ गए। यहाँ पे देख लो गाइज इंडिकेटर्स भी हैं, हेडलाइट तो बहुत प्यारी है वो रात में दिखाऊंगा आपको, हॉर्न भी है। और ये थ्रॉटल की ना थोड़े समय बाद आदत लग जाएगी, मज़े से घूमो गाइज। ये ना इसको आप यहाँ पे रेती में भी चला सकते हैं, समुंदर में भी चला सकते हैं, थोड़ा एक्सपर्ट हो तो ये पत्थरों पे भी चला सकते हैं। ये एक 100% ऑफ रोड पर्पस व्हीकल है गाइज, आप इसको इंडिया के किसी भी आरटीओ में अभी के लिए फ़िलहाल रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं। तू पीछे बैठ फिलहाल, मेरे को डबल की इसकी परफॉर्मेंस देखनी है। चार्जिंग का क्या क्या भी सिस्टम नहीं ना इसमें, क्या चार्जिंग का मतलब है, इंजन नहीं सुना इसको भाई, इंजन है पेट्रोल से कैसा चलती है वही है, एटीवी है ठीक है। और पेट्रोल हमने 1 लीटर डाला था, अभी तक चल रहा है, आगे भी चलेगा, तू बैठ पीछे। ओके प्लास्टिक पर बैठ मत, ओके बैठा कंफर्टेबल, पैर रख ले इधर, इधर रख ले है ना। एस्केलेटर देना को खाली सेल्फ मारो, क्या हो गया ये रुक रुक, एस्केलेटर दे उनको खाली सेल्फ मारो। हाँ हाँ हो गया बाबा राइडर, हो गया हो गया, चलो चलो चलो, सही जा रही है, सही जा रही है, डबल में जा रही है। ये देखो तू बैठा है ना कंफर्टेबल, ये पिकअप है ना, पिकअप है रे, डबल में भी खतरनाक पिकअप है। इसमें जो इंजन आता है ना 125 सीसी का, वो स्टॉक से ज़्यादा पावरफुल रहता है वो, और फ्री फ्लो एग्जॉस्ट भी रहता है ना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके कंप्लीट डिटेल फीचर्स आपको बताएंगे। और इसका प्राइस है 95,000, मैंने इसको 95,000 में ख़रीदा है। एंड आप सबको तो पता ही है मैं कई सारी चीज़ें एज ऑटो से मंगवाते रहता हूँ, मोटरसाइकिल एग्जॉस्ट, मिनी बाइक्स, मिनी 125 सीसी, आफ्टर मार्केट डर्ट बाइक, एंड फाइनली ये वाली खतरनाक मशीन भी आ गई है गाइज। सो एज ऑटो जो है ना ट्रस्टेड सप्लायर है, ऐसा कुछ नहीं है, GST वगैरह सब कुछ है इनका, और वेबसाइट भी है, तो आप इनसे ले सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है गाइस, लखनऊ के बंदे हैं, समझ गए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी देख लो मैं आपको लेके आऊँगा अगला वीडियो, उसमें रहेगा खतरनाक एक्शन, सारे फीचर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना गाइस, बाय बाय, जय हिंद।